तो दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक हमारे पास ये मोबाइल फ़ोन आ गया, सैमसंग का मोबाइल फ़ोन है, सैमसंग का M31S। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि रीस्टार्ट की प्रॉब्लम थी, और दूसरी प्रॉब्लम थी कि हैंडसेट ये डेड भी हो गया था। और सर से मेरी बात हुई थी, सर ने मेरा वीडियो यूट्यूब के माध्यम से देखा, और यूट्यूब के माध्यम से वीडियो देखने के बाद फिर इन्होंने डिसाइड किया कि मैं मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग, जो मेरा मोबाइल फ़ोन ख़राब है, मैं सर के पास जा करके मोबाइल फ़ोन को रिपेयर कराऊं, ठीक कराऊं। और मेरी बात जो सर से शनिवार को हुई थी फिलहाल, और शनिवार को बात होने के बाद फिर इन्होंने डिसाइड किया। इन्होंने पहले से मोबाइल फ़ोन को पहले कहीं और दिखाया था, तो उसने बताया कि इसका CPU ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है, बहुत सारी प्रॉब्लम सर को गिनाई। और जब पीछे का जब ट्रे है ना, पीछे का जो बैक ग्लास है, इसको जब वो निकालने लगे तो इसको निकालने के चक्कर में इन्होंने इसको डैमेज भी कर दिया। तो काफ़ी डैमेज होने के बाद फिर इन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन को तुरंत ले लिया कि भाई हमको मोबाइल फ़ोन नहीं बनवाना, और जो हमारा पैसा लगेगा तो बात की बात है, लेकिन हमारा मोबाइल फ़ोन तो हमारी आंखों के सामने अभी ख़राब हो रहा, तो बात की क्या होगा। तो सर ने मोबाइल फ़ोन नहीं बनवाया। फिर उस मोबाइल फ़ोन को लेने के बाद सर्विस सेंटर गए, तो सर्विस सेंटर वालों ने भी बोल दिया कि इसका बोर्ड ख़राब है। बोर्ड ख़राब होने का कितना खर्चा बताया था आपको? सर उन्होंने 9,000 के करीब बताया था। बोर्ड ख़राब होने के बाद उन्होंने 9,000 रुपये खर्चा बताया। तो हमने सर से बोला कि कोई दिक्कत नहीं, आप आइए। और सर ने हमसे एक बात करी थी कि हमारा मोबाइल फ़ोन में डबल डेकर ख़राब है, और डबल डेकर का, क्योंकि इन्होंने, सर ने हमारा वीडियो देखा डबल डेकर CPU को रिवॉल्व कैसे करें, हम जो लोग क्लास का वीडियो डालते रहते हैं, तो सर का बच्चा छोटा बच्चा है, 7 साल 8 साल का, उन्होंने जब बताया कि बेटा मोबाइल फ़ोन में ऐसी प्रॉब्लम है, तो उसने यूट्यूब में डाला कि कैसे इस प्रॉब्लम को ठीक किया जाए, तो मेरा वीडियो खुल गया। तो सर को ने जब वीडियो देखा तो उसके माध्यम से नंबर निकाला, फिर मुझे कॉल किया, और एक बात यही बोली उन्होंने कि मेरा जो मोबाइल फ़ोन ख़राब है उसको मैं अपने सामने ही बनवाऊंगा। पहली बात तो ये बात बोली। जी दूसरी बात ये बोली कि हमने जब वहाँ पर, उन्होंने अच्छा इसलिए बात बोली क्योंकि वहाँ पर मोबाइल फ़ोन उन्होंने ख़राब हो गया था, तो उसके बाद सोचा कि अगर मेरे पीछे फ़ोन बनेगा तो कहीं और ज़्यादा डैमेज ना हो जाए, कहीं बिल्कुल बेकार ना हो जाए। तो ऐसा सोचने के बाद सर ने इच्छा रखी कि सर मेरा मोबाइल फ़ोन मैं शाम को आऊँगा बनवाने के लिए, और मेरे सामने ही बनाइएगा, उसमें घंटे 2 घंटे 3 घंटे कितना ही समय क्यों लग जाए मैं वेट करूँगा, लेकिन आप मेरे सामने हैंडसेट को बनाइएगा। और मैंने एक बात भी बोली थी कि हो सकता है कि फ़ोन रिपेयर करते समय आपका बन भी सकता है या बेकार भी हो सकता डेड है, भी है, और 50-50 चांस है। फिफ्टी फिफ्टी चांस है सर के, मैंने बात बोली थी। तो सर ने बोला कि ठीक है, और सर को मैंने जो इसका खर्चा बताया था वो एक्सपेंस मैंने आपको बताया था, ये टोटल समथिंग मैंने 1,000 का एक्सपेंस बताया था कि 1,000 रुपये समथिंग खर्चा लगेगा इसका बनने का। जी लेकिन जब मेरे पास सर अपना मोबाइल फ़ोन लेकर के आए, तो हमारा एक मानक रिपेयरिंग का चार्ज है कि मैं उतना ही चार्ज लेता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं लेता, चाहे भले ही मुझसे डबल क्यों ना दे। तो इसका जो खर्चा मैंने सर को 1,000 रुपये बताया था, लेकिन फिलहाल फाइनली मैंने सर को 650 रुपये खर्चा रिकमेंड किया है, जो इसका एक्सपेंस आया है, मैंने 1,000 रुपये नहीं लिया है, क्योंकि इसमें डबल डेकर की प्रॉब्लम नहीं थी। इसके अंदर का UI पत्ता ख़राब था, और अंदर का सप्लाई सर्किट शॉर्ट था, ब्रेक हो गया था, जिस कारण से हमने उसको रिपेयर किया, और उस प्रॉब्लम की वजह से सर का मोबाइल फ़ोन ठीक हो गया, बढ़िया फर्स्ट क्लास चलने लगा। तो सर को भी बड़ी खुशी हुई कि कह रहे थे कि सर मेरा सैमसंग का मोबाइल फ़ोन है, पता नहीं बनेगा अभी कि नहीं बनेगा। सर्विस सेंटर से बड़ा ना उम्मीद के साथ में आए थे, और देखिए इनका मोबाइल फ़ोन प्रॉपर बन गया, फर्स्ट क्लास हैंडसेट चल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग मोबाइल फ़ोन को खुद रिपेयरिंग करते हैं, कस्टमर के भी मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करते हैं, और एक जेन्युइन चार्ज लेते हैं, और जो छोटा मोटा काम होता है तो हम लोग फ्री में ही ठीक करते हैं, उसका कोई पैसा कोई एक्सपेंस नहीं लेते। तो सर आप बताइए जरा, आपको मोबाइल फ़ोन आपका ठीक हो गया, आपको कैसा लग रहा है, और क्या आपको एक्सपीरियंस मिला, ताकि और भी लोग जो मेरे पास ठीक कराने के लिए आएंगे तो एक उनको पॉजिटिव मैसेज जाए और वो परेशान ना हो। दूसरी बात क्या, रिपेयरिंग सर एक विश्वास पे होती है। जी जैसे आपने मुझे बोला कि सर मेरे सामने फ़ोन ठीक करिएगा, तो हमने क्या बोला कि ठीक है सर, हम आपके सामने ही फ़ोन ठीक करेंगे, और सर वही एज इट इज मैंने किया। बताइए बात वही है ना सर, देखिए मेरे सामने ही मेरा कवर ख़राब हो गया। हाँ वो कर रहा था और उसने कवर खराब कर दिया, हाँ तो हमें ये लगता है कि यार जब मेरी नज़रों के सामने चीज़ खराब हुई जा रही है तो फिर हम कैसे छोड़ दें अपनी चीज़। तो मैंने उसको वहीं पर रोक दिया, भाई तुम यहीं रुक जाओ, हाँ मुझे अब और नहीं कराना, मैं देख लूँगा। क्योंकि था क्या, मैंने और भी मतलब वहाँ पर बात करी थी जब सैमसंग में गया था, ये जो पैनल ख़राब हुआ था सैमसंग में नहीं, ये बाहर हुआ था। अच्छा, तो सैमसंग में जब मैं गया था तो उन्होंने पहले ही मुझसे कह दिया था कि बहुत लंबा प्रोसेस है और ये ठीक नहीं हो सकता, आप बस आप मदरबोर्ड चेंज करवाइए इसमें। उन्होंने कहा कि हमारे पास ब्लैंक मदरबोर्ड आते हैं, और इसका करीब उन्होंने 9,000 रुपये खर्चा बताया था मुझे। बोले रिपेयरिंग वगैरह कुछ नहीं होती इसमें सर, इसमें आपको, मैंने उनसे कहा भी अगर कुछ छोटी मोटी रिपेयरिंग है तो आप कर दीजिए। मैं फ़ोन सेट वहाँ पे, एक्चुअली सैमसंग का सेंटर था तो मैं छोड़ने को भी तैयार था,
तो मैंने उनसे कहा भी था कि छोड़ दीजिए, बट वो बोलेगी नहीं सर इसमें रिपेयरिंग हो ही नहीं सकता, ये सीधे सीधे आप मदरबोर्ड चेंज कराइए, ये खर्चा आएगा। अब दिमाग इसलिए ख़राब हुआ क्योंकि मतलब 15,000 के सेट में 9,000 रुपये का मदरबोर्ड, तो मेरे को समझ में नहीं आया और मैं वहाँ से चला आया। फिर मैं जैसे जैसे थोड़ा बहुत इसको यूज़ करता रहा, फिर ये एक दिन बिल्कुल डेड हो गया। तब फिर मेरे बेटे ने मुझे बताया कि पापा देखिए ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा वीडियो है, उसने मुझे दिखाया। तब मैंने आपका वीडियो देखा पूरा, तब मैंने आपसे शनिवार को कॉल किया था। शनिवार से मेरे को आज तक थोड़ा छुट्टी टाइम पे नहीं मिल पा रही थी, आज टाइम से ज़रा छुट्टी मिल गई तो फिर मैंने आपको कॉल किया। तो मैंने आपसे कहा था कि भाई मैं अपने सामने बनवाऊँगा, मेरे सामने ही ठीक हुआ, तो अब तो मुझे पूरा यकीन है, मैं तो देख रहा हूँ सामने बैठा बैठा। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, जिसको भी अगर किसी के साथ भी प्रॉब्लम अगर हो रही है तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ आप लोग यहीं आए, आपके सामने चीज़ बनाते हैं, वरना सर्विस सेंटर में लोग अंदर ले जाते हैं और अंदर ले जाके क्या करते हैं, कुछ भी नहीं सबसे बताते। पहली बात क्या होता है सर, देखिए मेरा एक जो मोटिव है, मेरा क्या विचार है कि मेरे पास जितने भी सारे लोग आते हैं जो मोबाइल फोन रिपेयर कराने के लिए आते हैं, तो हमारा कोई ऐसा उद्देश्य ही नहीं रहता कि हम मोबाइल फोन को रिपेयर करके दें उससे पैसा कमाएं। हमारा सर जी सिर्फ लाइफ का एक ही उद्देश्य है कि हमारा स्टूडेंट सीख जाए, जी हमारा बच्चा सीख जाए। जो हमारे पास जो बच्चा सीखने के लिए आया हुआ है दूर से, सर जी बहुत दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, बिहार है, झारखंड, इतना दूर से मेरे पास बच्चा सीखने के लिए आते हैं, 45 दिन का समय देते हैं, फुल डे हम उनको ट्रेनिंग देते हैं और सिर्फ इसी बात विश्वास में देते हैं कि बच्चा पूरा सीख करके जाए और अच्छी तरीके से काम करे। और यहाँ पर सर मार्केट के मोबाइल फ़ोन सिर्फ इसलिए ठीक करते हैं ताकि जब लोगों के मोबाइल फ़ोन ठीक होंगे तो हमारे स्टूडेंट को सीखने को मिलेगा। भाई देखो दुनिया जान में कोई भी ऐसा आदमी नहीं हो सकता जो 10,000, 20,000, 50,000 का मोबाइल फ़ोन खरीदे फिर स्टूडेंट को दो लो भैया तुम इसको प्रैक्टिस कर डालो, ख़राब कर डालो। तो जब हम उसके सामने फ़ोन को बनाएंगे या उसके सामने ऐसा वीडियो कुछ देंगे तो उनको लगेगा कि बिल्कुल हम लोग सीख रहे हैं। हम लोग देखो सिखाने के लिए सारे इक्विपमेंट जैसे माइक्रोस्कोप है, डीसी पावर सप्लाई मशीन है, बोर्नियो सिमेटिक है, हॉटगन मशीन है, ए से लेकर जेड तक सर जी सामने देखो डिस्प्ले लगा हुआ है जिसमें आप मदरबोर्ड के अंदर जो एक एक करके आप बारीक से बारीक कितना जूम करके देखें वो भी आप अच्छे से उसको विजिबिलिटी देख सकते हैं, उस वीडियो का व्यू देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पूरा डिटेल में हर एक चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है ताकि उनको वीडियो के माध्यम से देख सकें और अच्छे तरीके से हम एक एक करके क्लियर करके समझा सकें। आपका जो मोबाइल फ़ोन का जो प्रॉब्लम था ठीक हो रहा था लेकिन यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा था, मुझको तो दिखाई दे रहा था लेकिन आपको नज़र नहीं आता, लेकिन जब आपने वहाँ पर देखा तो आपको लगा कि हाँ चलिए ठीक है मेरे फ़ोन में क्या काम होने वाला है। तो हम इस तरीके से पूरा ट्रेनिंग देते हैं और ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट के लिए है जो मेरे स्टूडेंट मेरा क्लास का लैब देखना चाहते हैं, वो कहते हैं कि सर हम आपका लैब दिखाइए ज़रा कैसे रिपेयरिंग होती, किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि ये ट्रेनिंग का काउंटर है जिसमें आपको ट्रेनिंग मिलती है। ट्रेनिंग के बाद जब बच्चे एक एक करके सीख लेते हैं कि जैसे बच्चे ने चार्जिंग जैक लगाना सर ने सिखा दिया, यहाँ पर सर सिखाएंगे क्लास में, अगर आप देखेंगे सर सभी बच्चों को दिखाएंगे, यहाँ से एक 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 करके सारी पूरी लैब बनी हुई है, चारों तरफ स्टूडेंट्स बैठते हैं, अभी तो फिलहाल ब्लैंक है, चारों तरफ स्टूडेंट बैठते हैं, क्लास में माइक्रोस्कोप होते हैं, क्लास में माइक्रोस्कोप कुछ अंदर भी रखे हैं कि जब किसी को ज़रूरत होती है तो अपना उठा लेता है, क्योंकि क्लास में अगर हम सारे टूल्स फैला देंगे तो मुझे नहीं लगता कि एक जम्पर लगाने वाला स्टूडेंट है तो उसको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है, एक हाँ लेकिन जो आईसी लगाने का काम कर रहा है तो उसको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है। तो इस तरीके से जैसे जैसे टूल्स की रिक्वायरमेंट्स होती है वो सारे टूल्स अपने बच्चे ले लेते हैं और काम करते हैं। और क्लास में सिखाने के लिए सर जैसे सिमेटिक है, टूल है, मोबाइल फ़ोन के अंदर सप्लाई लाइन है, कौन सा लाइन कहाँ जाता है, मोबाइल फ़ोन का सर्किट कैसे काम करता है, बिल्कुल एडवांस लेवल की ट्रेनिंग कि कैसे लाइन जाएगी। जैसे अगर आप देखेंगे तो सर जी ने रेडमी नोट 7 का आज एक मोबाइल फ़ोन आया था, वो भी मार्केट से ख़राब फ़ोन था, उसका सप्लाई लाइन ब्रेक था, नहीं ठीक हो रहा था, तो सर ने उस मोबाइल फ़ोन को बनाया, उसको चालू करके दिया और अच्छी तरीके से संतुष्ट होकर गए। तो आज हमने भी आपका सर मोबाइल फ़ोन को जैसे ठीक किया हुआ है, और आप सर क्या देना चाहेंगे कि मतलब और भी लोग आएँ तो अच्छी तरीके से काम करके जाएँ, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। बिल्कुल, मैं तो सबको यही कहूँगा जिन जिनको ये प्रॉब्लम है कम से कम एक सही एड्रेस उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जो भटक रहे हैं, मैं भी बहुत भटका हूँ फिर वो तो भला हो मेरे बच्चे का, उसने मुझे ये वीडियो दिखा दिया आपका तो मैं यहाँ पहुँच गया और मेरी चीज़ ठीक हो गई, वरना मुझे 9,000 रुपये खर्च करने पड़ते इसके लिए और मेरा काम 650 रुपये में हो गया। तो मैं तो लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगा कि जिस जिस भाई को ये प्रॉब्लम हो वो एक बार इनसे ज़रूर मिले। चलिए
ठीक है सर, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपका भी मोबाइल फ़ोन कभी कोई ख़राब है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, उसका गाइडेंस ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। हाँ, अगर आप मोबाइल फ़ोन की कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 45 दिन का समय लगेगा, 45 दिन के अंदर मैं आपको मास्टर बना करके ही भेजूँगा, अच्छी तरीके से काम सिखा के भेजूँगा, ताकि आप अपने काउंटर पर बैठ करके बढ़िया तरीके से काम करेंगे, ना किसी के हाथों के मोहताज रहेंगे, आप खुद काम करेंगे और अच्छी तरीके से काम करेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों। Yeah.